Assalamualaikum, good evening and welcome to Rangan Bhari Sham with me Kiran Mir. कहिड़ा हाल आहिनि तव्हां जा? ठीकु आहियो? आई होप त तव्हां इंतज़ारु कंदा हूंदा असांजो. बसि ईंदे 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 थोरो लेट थी वेंदा आहियूं. उनजो रीज़न इहो आहे त एज़ यू ऑल नो त मशीनरीज़ आहिनि, प्रॉब्लम्स थींदा रहंदा आहिनि. हिननि वीचारनि जो बि हक़ आहे मशीनरीज़ जो, त कुझु न कुझु त नासाज़ तबियत हिननि जी बि त थियणु घुरिजे न. जॾहिं इंसान जी तबियत ख़राबु थी सघे थी त हिननि मशीनरीज़ जो कहिड़ो ॾोह आहे. सो टेक्निकल इशूज़ थींदा रहंदा आहिनि, इन जे करे जेको आहे टाइम ते अचण जी असां पूरी पूरी कोशिशि कंदा आहियूं पर थोरो डिले थी वेंदा आहियूं. सो अॼु मां ॾाढी मतिलबु हैप्पी आहियां, छो त शोभी भाई अॼु इतफ़ाक़ सां जल्दी अची विया ऐं जेको आहे असांखे वेट न करिणो पियो. ऐं उनखां अलावा असां सां गॾु जेका असांजी प्यारी भेण हिते वेठल आहे, माशाल्लाह वेल नोन पर्सनैलिटी आहे. अॼु फंबल मूंखे लॻे थो मां कंदमि, छो जो इहे ॾींहं हूंदा आहिनि फंबलिंग करण जा. ऐं अॼुकल्ह जेको आहे कुझु वधीक ई फंबलिंग थी रही आहे, ज़बान जेको आहे न स्लिप थी रही आहे. सो इहो सिर्फ़ु मूंसां न हर कंहिं सां थींदो आहे, सो एडजस्ट कजो. अच्छा, त मां पंहिंजी भेण जे हवाले सां ॿुधाए रही हुयसि त माशाल्लाह वेल नोन पर्सनैलिटी आहे ऐं ॾाढी प्यारी अलाह साईं उन्हनि खे आवाज़ु ॾिनी आहे. थोरी देरि में तव्हांखे ॿुधायां थी त केरु आहिनि. तेसीं ताईं मां हाल अहिवाल करे वठां शोभी भाई सां. अस्सलामुअलैकुम. अस्सलामुअलैकुम किरण. और बिल्कुल आपने सही कहा कि मशीनरी कभी कभी ख़राब हो जाती है, उनका हक भी है. हम भी एक मशीनरी हैं और आज मैं थोड़ा सा ख़राब हो गया. आज तो सही होकर आए आप. तो मतलब मेरे जो ब्रेन टाइम फिक्स था वो मुझे लगता है ख़राबी के तहत जल्दी हो गया है. तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम पे आ गया हूँ, लेकिन मैं जल्दी आ गया. जल्दी आ गया आपके हिसाब से जल्दी है, हमारे हिसाब से आप टाइम पर आए आज. और किरण बड़ी बात ये है कि मैं आपको वैसे तो रोज़ाना ही देखता हूँ, आप हैं ही अच्छी, लेकिन कभी कभी आप बहुत अच्छी लगती हैं. तो मेरी बहन आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, यकीन माने. और आज मैं दिल से तैयार होकर आई हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज जो हमारे पास गेस्ट बैठी हुई है ना, जब मुझे रात में पता चला और जब मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है, कुछ वीडियोस भी मैंने देखी. मैंने कहा जब इतनी प्यारी शख्सियत आ रही है तो उनके साथ तो फिर अच्छा ही तैयार होकर जाना चाहिए ना. किरण मैं भी जानता हूँ इस हवाले से, क्योंकि दीगर मॉर्निंग शोज में मेरी मुलाकात रही है और इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट बहुत अच्छी सिंगर है. खुद जिसे कहते हैं इंसान भी बहुत अच्छी है, मिजाज की भी बहुत अच्छी है. तो इसलिए मैं देर से आना चाह रहा था, लेकिन फिर भी जल्दी आ गया. तो ये है. अच्छा, आपने इनके साथ काम किया है वैसे मॉर्निंग शो? हाँ जी बिल्कुल, मॉर्निंग शो में काम किया है और जब भी किया है अच्छे से किया है, खुश उसलूबी से किया है. सही, मेरी सही, बहन इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा गाती है. सही, माशाल्लाह. ये एक अच्छी एक केमिस्ट्री जब बन जाती है म्यूजिशियन और सिंगर की, तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली ही बात हो जाती है. तो आई होप कि आज का शो माशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत अच्छी है. सो ऑल द बेस्ट किरण. वैसे तो कराची में शायद कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिससे मेरी केमिस्ट्री अच्छी ना हो. ये हकीकत बात है, क्योंकि जाहिर है मैंने अपनी जिसे कहते हैं गोल्डन टाइम अपनी म्यूजिक फील्ड को दिया है. मुझे 23 साल हो गए हैं म्यूजिक करते हुए. मैं लगता नहीं हूँ, एक अलग बात है, ज्यादा लगता हूँ. नहीं नहीं, ये अब आप खुद को तो, बोलते नहीं हैं. नहीं, इसमें अच्छी बात यह है कि मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मुझे बुधवार अब होना चाहिए, क्योंकि जितना अरसा मैंने फील्ड को दिया है तो इसलिए मुझे बुधवार अब रहना चाहिए. अपनी इज्जत आदमी खुद करवाता है. सही बात. तो है. लेकिन मेरे कहने का मकसद ये था कि इतना टाइम करने के बाद जो है कराची में शायद कोई ऐसा आर्टिस्ट हो जिससे मेरी बॉन्डिंग ना हो. म्यूजिक होता है शोभी भाई, बहुत सारे आर्टिस्ट आपको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो आपको जानते हैं, लेकिन कोई कोई जैसे अब न्यू सिंगर्स आते हैं, नया टैलेंट आ रहा है, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हमें मिलना है. बिल्कुल, काम किया हुआ नहीं होता, लेकिन ख्वाहिश रखते हैं. लेकिन किरण मेरी तो मतलब कोशिश ये होती है कि कोई अगर नया सिंगर है या न्यू कवर है, मैं उसके साथ अच्छे से अच्छा प्ले करूं, ताकि हम उसको हम ही तो मोटिवेट करेंगे तो आगे वो आर्टिस्ट बनेगा. सही बात. तो ये है, सही बात. मैंने कभी ये नहीं किया कि ये जूनियर है वो फलाना है तो यूँ नहीं करेंगे, इसके साथ अच्छा नहीं हो जाऊंगा उसके साथ अच्छा हो जाऊंगा. नहीं, मैंने हमेशा अपने काम से इंसाफ किया है. इंसाफ किया, और जाहिर है आपको इसीलिए तो आई एम शोभी नहीं बोलते. यू आर द वन एंड ओनली शोभी. सो व्यूअर्स, वधीक मां तव्हांखे इंतज़ारु न कराईंदसि. असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि सिदरा ताहिर साहिबा, ऐं इन्हनि माशाल्लाह जेको आहे ट्रेनिंग वरिती आहे. शी इज़
ट्रेंड वोकलिस्ट फ्रॉम नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वेयर शी नॉट ओनली एक्सेल्ड इन ईस्टर्न क्लासिक बट ऑल्सो लर्न वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक. न सिर्फ़ इन्हनि मतिलब वेस्टर्न ऐं ईस्टर्न ॿिन्ही जी हिननि तरबियत हासिल कई आहे उतां ऐं माशाल्लाह सां मल्टी टैलेंटेड आहिनि. सिंगर पंहिंजी जाइ ते आहिनि, वनो FM 101 ते ब्रॉडकास्टर बि रहियूं आहिनि, वॉइस ओवर्स बि तमामु घणा कया अथनि PTV ते. माशाल्लाह सां सेवरल जिंगल्स, वोकलिस्ट, TVCs, ड्रामास, ई बुक्स, एज़ अ वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट बि रहियूं आहिनि. ऐं माशाल्लाह सां शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, फ्रीलांस होस्ट, बट ऑल्सो अ फ्रीलांस कॉन्टेंट राइटर, लिरिसिस्ट. माशाल्लाह सां सो इलाही हिननि जो लंबो चौड़ो हिकिड़ो इंट्रो आहे ऐं एतिरो मां तव्हांखे ॿुधायो आहे. वधीक ॻाल्हियूं मां चाहियां थी त सिदरा सां पाण कयूं, तव्हांखे बि जीअं इंतज़ारु न कराइजे ऐं हुननि खे बि असां वेलकम कयूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आपने लंबा चौड़ा इंट्रो दिया. मैं सुन के डर रही थी, मैंने कहा यार अल्लाह पाक इंसाफ करवाए. तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके शो में. नो प्रॉब्लम, मैं आपको वेलकम करती हूँ रंगन भरी शाम में. और आई होप कि आपको सिंधी समझ आती होगी. जी बिल्कुल, मुझे सिंधी समझ इंदी है. इंदी सिंधी मां बोल सकेदा आपकी पार्टी सिंधी मां बताई सकेदा मैं सिंधी मां थोड़ी थोड़ी गाल हाय गाल हाय सगा सगा थी थी आई आई समझी समझी सका थी समझी सगा थी. ये वेरी गुड. आपकी पार्टी की है? सही है. सो हम सारे मतलब सिंध में रहने वाले सारे सिंधी ही हैं बेसिकली. बात ये है कि सब सिंधी बोलते हैं, समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले, हम सब एक हैं. सो बहुत अच्छा लग रहा है. जी जी बोलिए. किरण, बात ये है कि सिंधी बोली बड़ी वाकई मीठी बोली है, मीठी, इसमें कोई शक नहीं. और बहुत जल्दी समझ आने वाली बोली है. लैंग्वेज हमारी है, आप अगर इसको 10 साल भी सुनेंगी तो आपकी समझ नहीं आएगी. लेकिन सिंधी वाहिद एक ऐसी बोली है जो आपको थोड़े अरसे में. ये अच्छी चीज है ना कि बैरियर नहीं है. हाँ बिल्कुल, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई शक नहीं. हम यहाँ हर जबान अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं. अब वो बोलने आनी चाहिए, आनी चाहिए. ये बात होती है. सो सिद्रा, क्या हो रहा है आजकल, क्या कह रही हैं आप? जी बस यही, म्यूजिक की जो फील्ड है वो जारी है, सारी है. साथ ही साथ रेडियो कर रही हूँ, संडे को प्रोग्राम्स होते हैं. अच्छा. बाकी दिन जो कि एक जॉब भी मैं कर रही हूँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज अ कस्टमर यू नो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. तो बस यही सिलसिला है कि साथ साथ जॉब भी चल रही है. पहले सिर्फ रेडियो कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा कमाना भी ज़रूरी है, शौक और अपना पैशन अपनी जगह. लेकिन साथ साथ अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो, एक प्रॉपर जॉब हो आपके पास, तो आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो है अपनी ख्वाहिशात जो आपकी होती है उन्हें पूरा कर सकते हैं. तो बस साथ साथ जॉब है, साथ साथ रेडियो है, म्यूज़िकल एक्टिविटीज चलती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. आप कितना डिपेंडेंट रह जाएंगे हस्बैंड के ऊपर, भाई के ऊपर, फादर के ऊपर? एक उसकी अपनी शख्सियत है. जब जिस तरह अल्लाह ने लड़के को पैदा किया है, औरत को भी इसी तरह पैदा किया. जब लड़का अपनी एक इंडिपेंडेंसी कर सकता अच्छा है, आपने मेरा फोन शख्सियत बना सकता है. लड़का कह के मेरी तरफ जो इशारा किया है ना, यकीन मानिए तो शमी भाई आप तो लड़के हैं ना. बस ये कह के आप मेरा खून बढ़ा देती है, यकीन मानिए. ये मजाक मस्ती तो आपको पता ही है, चलती रहती है. तो आपके साथ भी मजाक मस्ती करते ही होंगे इस तरह बात बात में कुछ ना कुछ. नहीं माशाल्लाह, ये अपने काम में माहिर एक शख्सियत है. और जब भी मेरा पहली मरतबा भी इंटरेक्शन हुआ, ये मॉर्निंग शोज में इनसे मुलाकात होती रहती है, तो एक बहुत ही हसमुख इंसान है. ये तो है. और मजाक मस्ती तो अपनी जगह, लेकिन एक जो किसी भी रिश्ते का एक तकद्दस कह लें या एक रिस्पेक्ट होती है, वो हमेशा से इनमें है. और यही वजह है कि माशाल्लाह से ये एक कामयाब म्यूजिशियन है. और जो जितनी भी आप फीमेल सिंगर्स भी देख लें, जितने भी आप सिंगर्स से बात करेंगे, जब भी इनका जिक्र आता है अच्छे अल्फाज में ही याद किए जाते हैं. और इंसान की खूबी यही है कि जब भी उसका जिक्र आए, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, उसे लोग अच्छे अल्फाज में याद करें. बिल्कुल सही बात है. सिद्रा, ये बताइए ना कि आपने कितनी उम्र से गाना स्टार्ट किया और आपको शौक कैसे हुआ? जिस सिंगर से भी हम, जैसे मैं भी जब इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ, तो जिनसे भी पूछे वो यही कहते हैं कि स्कूल से ही आगाज़ होता है.
तो मेरा आगाज़ इस तरह से हुआ क्योंकि मेरे फादर फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो कराची प्रेस क्लब में फैमिली गाला हुआ था, मतलब वो पहला ही साल था कि जब फैमिली गाला हुआ 14 अगस्त के मौके पर, तो मैं तकरीबन 4.5 साल की थी। तो वहाँ पर इन्होंने मेरी इंट्री करवाई और तकरीबन 400 लोगों का क्राउड था जिसके सामने दिल दिल पाकिस्तान मैंने गाया, तो बहुत छोटी सी थी मैं, तो वहीं से एक आगाज़ हुआ इसका, यानी मुझे फिर प्राइज़ मिला। फिर हर साल नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए बाकायदा तैयारी करते थे, जून जुलाई से ही शुरू हो जाता था उसका आगाज़, फिर वहाँ और भी कॉम्पिटिशन होते थे बच्चों के लिए, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, रेस, एसे, स्पीच वगैरह, तो उन सब में हिस्सा लेते लेते शौक़ मज़ीद बढ़ता गया। फिर स्कूल कॉलेज में भी अपने इंस्टीट्यूट्स को रिप्रजेंट करते गए, फिर जब और आगे बढ़े तो जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो साथ साथ मेरे पेरेंट्स को लगा कि भाई इनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे तो शौक जो है वो मज़ीद पॉलिश होगा, तो साथ साथ मौसीकी की तालीम भी चलती रही, साथ साथ मेरी अपनी तालीम भी इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स दोनों में मास्टर्स मैंने किए, तो इस तरह से ये सिलसिला चला और आज यहाँ मौजूद हूँ थोड़ा बहुत। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और ये तो मेरा ख्याल है कि आपकी फैमिली ने ही आपको इतना सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़ सकी हैं। वैसे तो ये होता है ना कि ज़्यादातर तो बच्चियों का कहते हैं कि नहीं ठीक है जो है बस ठीक है। तो मैं, मुझ पर अल्लाह पाक का ही खास करम रहा है कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरे वालिदैन ने हमेशा जहाँ पर भी मैं जाती हूँ साथ होते हैं और हमें पूरा पूरा साथ देते हैं, तो ये बहुत खुश नसीब इस तरह के लोग होते हैं और वालिदैन भी जो अपने बच्चों को साथ देकर उनके शौक़ को आगे पहुँचाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि आपका शौक़ हो वो ज़रूर आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक ज़िंदगी मिलती है उसे भरपूर अंदाज से जीना चाहिए। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है ज्यादा वेट ना किया जाए, अपनी प्यारी सी मधुर सी आवाज में क्या सुना रही हैं आप हमें? सबसे पहले क्योंकि प्रोग्राम में कहते हैं कि आवाज़ जो है किसी अगर आरफाना कलाम से हो तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आबिदा परवीन जी का एक बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम है, तेरे इश्क नचाया। वाह जी वाह। पानी में तभी बात नहीं तो मैं मर गया।
थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बजाया। और देखिए वन मैन बजाना जो है बाकायदा हर चीज के साथ टाइमिंग के साथ एक बहुत बड़ी बात है। तो एक ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ मौजूद हूँ, तो माशाल्लाह ये बहुत कमाल बात है शोभी भाई की। माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपने उसके जो कमाल किया है ना बहुत आला माशाल्लाह से। तो जल्दी जल्दी सब व्यूअर्स तहां भी कॉल करो, सिदरा ताहिर असा करते मौजूद आहन जेकने का फरमाइश कर चाहे होता सिदरा सा गलहाइन चाहे होता तो बिल्कुल ता गलहाए सगोता असे प्रोग्राम में शामिल थी सगोता। सिदरा ये एक पैशन होता है, एक ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं, आगे जाके लाइफ में कुछ करूं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स तो आपकी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इससे ज्यादा की क्या और ख्वाहिश रखती हैं आप? बस यही था बचपन से कि मैं गा सकूं। और फिर जब पहले तो जैसे भी हम गाते थे गा लेते थे, लेकिन जब से सीखा तो फिर मालूम हुआ कि कितना मुश्किल काम है और जितना आप इसे सीखें वो कम है। और फिर भी कहते हैं कि जो सही गाने वाला होता है वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं होता, तो बस यही होती है कि इससे बेहतर कर सकें, कुछ मेहनत करें, कुछ टाइम दें, जो कि नहीं दे पाते रियाज पर, अगर दें तो इससे कई गुना बेहतरी आएगी आवाज़ में, वो सुनाई भी देती है। तो बस यही है कि साथ साथ ये सिलसिला चलता रहे। मेरी ख्वाहिशात थी कुछ कि मेरे अपने गाने हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑडियो वीडियो दोनों की, फिर कुछ जिस तरह से मुझे बचपन ही से शौक था, मैं रमज़ान में भी जब आता था अल्लाह पाक के 99 नाम, तो मैंने ऐसे बचपन में ख्वाहिश की कि मैं कभी इन्हें पढ़ूँ, साथ पढ़ा करती थी। तो आज से मेरे ख्याल से 2 या 3 साल मतलब हो चुके हैं इस बात को कि मैंने उसे बाकायदा जो मिस्री वर्जन था उसे रिक्रिएट किया, तो उसमें तो मतलब काफ़ी सारे लोगों ने उसमें हार्मनीज दिए, लेकिन वो मेरी ही आवाज़ में है, यानी मैंने ही उसको हार्मोनाइज करके, तो माशाल्लाह वो एक मेरी फख्रिया पेश कर समझ लीजिए, या एक वो है कि मेरा एक ड्रीम था जो मैंने वो पूरा किया। और इसी तरह से बस ये है कि अपने गाने मजीद करती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी, बाकी अल्लाह पाक की मर्जी जो भी है इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि नियत साफ तो मंजिल आसान, तो आई होप कि आपको आपकी मंजिल मिल ही चुकी है, बाकी इंशाल्लाह मजीद मिलेगी, सिलसिला आगे बढ़ता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, तो वक्त का ब्रेक जो कारण है, जो जल्दी वापस आ जाऊँ, सो स्टे विद अस। भलीकार कंदासी तक रंगन भरी शाम में तेजे प्रोग्राम में शामिल थी सो कॉल कर सो का फरमाइश करना चाहो था सिदरा का, तो वह भी कर सो गलहाइन चाहो था तो बिल्कुल तलाए सो। सिदरा इतना माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हैं आप, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आ रहा है? जैसे एज अ होस्ट आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप FMB कर रही हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सिंगिंग में, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप कर रही हैं, किस चीज़ में आप ज़्यादा इंजॉय करती हैं? बेसिकली आवाज़ की दुनिया एक दूसरे से हम आहंग है, तो सभी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा तो सिंगिंग में ही एक अपना ही एक नशा सा है। लेकिन कहते हैं कि रेडियो से जब आपकी वाबस्तगी हो जाए तो फिर चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं, बड़े से बड़े आप देख लें TV एंकर्स होस्ट हैं जिनका आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से हुआ, तो वो रेडियो से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कोई एक प्रोग्राम लाजमी तौर पे कर रहे हैं। अब चाहे मेरी मसरूफियात बढ़ गई हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि वो एक सिलसिला मेरा जारी रहे लिसनर्स के साथ इंटरेक्शन। तो सिंगिंग का एक अपना ही मज़ा है, अलग दुनिया है, और जहाँ तक हमारे लिसनर्स का ताल्लुक है जिनसे हम वैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन कहते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तो ये ओवरऑल सभी अच्छी हैं, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पर तरजीह जो है वो मौसीकी को ही दी जा सकती है। जैसे मौसीकी अगर आप अलग कर दें मुझ में से, तो मैं नहीं समझती कि फिर कोई वजूद बाकी रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने बात की रेडियो की, तो आपको नहीं लगता कि आजकल हम इस चीज़ से थोड़ा दूर चले गए? वेल, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रेडियो अब कौन सुनता है, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा, लोगों का मतलब हमारे लिसनर्स का, हल्का अहबाब कह लें, कि जो रेडियो के अलावा अभी तक नहीं सुनते। आपको हैरत होगी कि सिर्फ और सिर्फ ज़रिया इंटरटेनमेंट का ऐसे लोगों के लिए रेडियो ही है। जैसे सब्ज़ी फरोश आप देख लें, या आप कान में लगा होता है एक सस्ते से मोबाइल में, आप देखें रेडियो ज़रूर मौजूद होता है। तो कान में एयरफोन लगा के मज़दूर तबका, कोई जैसे दर्जी हैं,
तो इस तरह के लोग बेइंतहा हमें सुनते हैं, और ट्रैफिक पुलिस में बहुत सारे, आर्मी में हमें लोग आज भी बहुत सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेडियो ख़त्म हो गया या लोग नहीं सुनते, सिर्फ उसका मोड्स चेंज है। अब हमें ऑनलाइन भी लोग सुनते हैं, कतर से हमें लोग सुन रहे होते हैं, और ख़ास तौर से हमारे पास हमारी ओवरसीज ऑडियंस लिसनर्स जो हैं ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, कि वो अपने मुल्क से जब दूर होते हैं तो सबसे उनको बेहतर ज़रिया ये लगता है कि रेडियो। क्योंकि देखिए टीवी बेशक है हमारे हाथ में, हमारा मतलब अब देख रहे हैं टीवी बन गया, कुछ अरसे में लोग ये कह रहे हैं कि जो हम जहाँ बैठे हैं ये टीवी खत्म हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास वेब मीडिया ही रहेगा। लेकिन आप देखें वहाँ से लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते हमारे साथ, वो हमें सुनकर मैसेजेस भेजते हैं, उन्हें एक एहसास होता है अपनाइयत का कि हाँ जी हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो फासले सिमट जाते हैं और बाकायदा फिर हमें कॉल्स भी करते हैं। तो रेडियो जो है वो एक अलग दुनिया है, और रेडियो की अहमियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो डिजिटलाइज ज़रूर हो गया है, अब हमें लोग देख भी सकते हैं बहुत सारे चैनल्स, जैसे बहुत सारे, जैसे हम नाम तो नहीं लेंगे लेकिन बहुत सारे चैनल्स वीडियो भी लाइव कर रहे होते हैं। तो चाहे उसका अंदाज़ बदल जाए लेकिन रेडियो हमेशा ज़िंदा है और रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी रेडियो के अलावा नहीं सुनते। बिल्कुल, रेडियो ना होता तो शायद हमारी कौम का वो जज्बा भी पैदा ना होता जब आज़ादी का टाइम आया था, और ये मिली नगमे जब मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में जब मिली नगमे गूंजे थे, एक हमारी कौम के दिल में एक जोश पैदा हुआ था और वो आगे बढ़ी थी। बेशक, तो ये एक माँ समझाती थे रेडियो अज भी असांजी सुञाण पाए, पाकिस्तान जी सुञाण पाए, भले असां नथा ॿुधूं पर अज भी रेडियो थी वियो, पीटीवी थी वियो, असांजी सुञाण पए। और कॉर्पोरेट लेवल पे भी लोग सुन रहे हैं, मतलब ये नहीं कि हम कहें कि सिर्फ यही तबका सुन रहा है, बिजनेसमैन हमारे सुन रहे होते हैं, गाड़ियों में ख़ास तौर से रेडियो चल रहा होता है लोगों के, जब वो कहीं जा रहे होते हैं मीटिंग्स पे या ड्राइव कर रहे होते हैं तो रेडियो बिल्कुल सुना जाता है। और ऐसे लिसनर भी हमारे पास हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जो बोलते हैं कि हम अनपढ़ हैं, हम लिख पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमें रेडियो ने बाकायदा सिखाया है कि बात कैसे करते हैं, और एक तरह से ये हमारे लिए हमारा स्कूल है। तो ये एक बड़े फ़ख्र की बात है कि आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हो कि आप माइक के ज़रिए किसी की अगर इस्लाह कर सकते हो, तो इससे बड़ा अल्लाह पाक की एक नेमत समझ लें। मैं समझती हूँ कि इस ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और दूसरा ये भी है ना कि एक आवाज़ की दुनिया है, आवाज़ जब खो जाते हैं, आपको नहीं पता कि पीछे माइक के पीछे कौन बैठा है, लेकिन उसकी जो आवाज़ जब गूंजती है, असांखे उन आवाज़ सां मोहब्बत थी वेंदी आहे। समटाइम्स उन आवाज़ सां असां इश्क करे वेहंदा आहियूं, उन जो इंतज़ार कंदा आहियूं त बस इहा आवाज़ हाणे ईंदी आहे, असांखे हिन जो प्रोग्राम ॿुधणो आहे। सो किस तरह का प्रोग्राम करती आप रेडियो पर? वेल, शुरूआत में माशाल्लाह 6 साल हो चुके हैं मुझे, आजकल तो मैं स्वीट होम शो कर रही हूँ जो कि वुमेन शो है, उसमें बाकायदा टिप्स वगैरह, हेल्थ टॉक वगैरह होती है। लेकिन जैसे मैंने आगाज़ किया तो क्योंकि मैं एक सिंगर थी और रेडियो पे मेरा इस तरह से इंटरव्यू हुई कि मैं एक प्रोग्राम करने गई थी 2 घंटे का, वो बाकायदा क्लासिकल राग पर बेस था। अच्छा। कि हम पहले राग के बारे में थोड़ा सा उसको बताते थे और फिर उसके साथ जो जुड़ा हुआ गाना होता था वो हम पेश करते थे। तो ये काफ़ी हमारी मैनेजमेंट सुन रही थी उस टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऑडिशन दें तो हम आपको एज RJ सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से फिर मैं RJ बन गई। तो मैं गुनगुनाए जान नाम से प्रोग्राम था जो मेरी वजह शोहरत भी बनी, तो उसमें ये था कि जो फरमाइश आपने आती थी वो हमारे लिसनर्स भी गाते थे और मैं भी उसे गुनगुना कर प्ले करती थी, ये फॉर्मेट था। अच्छा। फिर 2 प्रोग्राम्स में कर रही थी उस टाइम पे, 2017 से काफ़ी टाइम, 5 साल माशाल्लाह मैंने किया वो। दूसरा था मेरा बिल्कुल ऑपोजिट, वो थी फ्राइडे स्पेशल ट्रांसमिशन रंगे आरफाना, तो उसमें नाथवां होते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, और फिर हदीस और कुरान सुन्नत की रोशनी में जो भी टॉपिक होता था उस पर बाकायदा रिसर्च करके वो प्रोग्राम काफ़ी मकबूल हुआ माशाल्लाह। अब भी लोग कहते हैं कि वो प्रोग्राम आप दोबारा करें, तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं रेडियो पर ही या किसी चैनल पर ज़रूर मैं इस तरह का भी प्रोग्राम करूँ, क्योंकि माशाल्लाह उसका एक मज़ा ही और होता था। फिर आपको ख़ुद पढ़ने का बहुत मौका मिलता है और बहसियत इंसान आपकी बहुत इस्लाह होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब गिबत पर प्रोग्राम्स करते करते वो बात मैं अपने मुंह से कैसे किसी को रोकूं या इस्लाह करूं कि अगर वो चीज़ मुझ में हो, तो बहुत सारी इस्लाह खुद भी इंसान की होती है जब इंसान इस तरह की चीज़ें करता है। तो ये वही ना एक नेमत समझती हूँ कि बस ये मौका मिला और इस तरह से भी मैं दुनिया के सामने आई। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये हैं RJ हैं, मैं समझ गया। ब्रेक ही नहीं था। ब्रेक नहीं था, और माशाल्लाह आवाज़ देखे ना, चाहे वो गा रही हैं उसमें और जो बोल रही हैं,
मतलब एक मैच्योरिटी जिसे कहते हैं ना आवाज में, वो है इनके माशाल्लाह। मैं बड़े गौर से यही देख रहा था कि ये रेडियो बंद कब होगा, ब्रेक कब आएगा, ब्रेक कब आएगा। थोड़ा सा अपने अंदाज में वो मूड में आए ना, थोड़ा सा हमें प्रोग्राम सुनाए फिर मैं ही बोलूंगी एक घंटा कोई मसला नहीं, आपका शो है, आपको बुलाया किस लिए, हम चुप करके बैठे, आप बोले बोले। अच्छा जी, तो मैं मतलब KTN के अंदाज में, मतलब KTN का नाम लूं या अपने चैनल का नाम लूं, ये भी पूछना पड़ता है ना कोई, जो आपका दिल करे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप सबके साथ मौजूद है RJ सिदरा ताहिर और आप देख रहे हैं KTN पर। आज मैं मौजूद हूँ ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी होस्ट के साथ, और हमारे साथ एक ज़बरदस्त म्यूजिशियन भी मौजूद है, और प्रोग्राम में इस वक्त हम सब बैठे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वक्त ज़ाया करते हैं तो ज़िंदगी जो है वो फिर आगे निकल जाती है और हम पीछे रह जाते हैं। और ज़िंदगी में काम हमेशा ऐसे करने चाहिए जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने के बाद भी हमारा नाम अच्छे अल्फाज में याद किया जाए और वो काम हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। तो इसी की इस बात के साथ ही मुझे लगता है कि मुझे अब खामोश होना चाहिए, क्योंकि हमारी होस्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह अपने फ़न में माहिर हैं। जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा यार, ये भी एक अच्छी फील्ड है वैसे। थैंक यू जी, माशाल्लाह, मतलब एक आवाज़ का जादू है। और बचपन में तो मुझे याद है जब रेडियो सुना करते थे बड़े शौक से, मैं तो ज्यादातर कॉल करके तंग ही करती थी जो भी हमारे RJ होते थे ना उनको। अच्छा। किरण जी, मुझे लगता है थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें हम नजर आ रहे होते, इसमें हम नजर नहीं आ रहे होते, उसमें हम नजर नहीं आते, और शायद पेपर वेपर पे भी कुछ लिखा हुआ होगा। देखिए, शुरुआत में ऐसा बिल्कुल होता था कि मेरी अम्मी बहुत, मैं बड़ी मशहूर हूँ उनकी, कि वो बहुत रिसर्च करके मुझे दिया करती थी चीज़ें। फिर एक वक्त आया, मेरी अम्मी ने भी ये भी कहा कि अब मैं बेफिक्र हूँ, अब तुम माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये तो देखिए, साथ साथ हमारे पास TV में भी हमारे पास कार्ड मौजूद होते हैं, तो जैसे दोनों ही एक्सपीरियंस रहे, TV होस्टिंग का भी और रेडियो का भी। तो रेडियो मैं समझती हूँ ज़्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसमें हमें दो दो कंप्यूटर साथ में हम चला रहे होते हैं, फिर साथ में हमें क्यू शीट भी अपनी खुद बनानी है, गाने निकालना डालना, फिर कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड पे क्या चीज़ ऑन एयर होनी है, कितने मिनट तक चलनी है, फिर टाइम चेक भी साथ साथ आपने देना है, फिर बहुत सारी चीज़ें आपने साथ मैनेज करनी है। हमें तो बड़ा आसान लग रहा है। तो चले, इसी बात पे क्या सुना रही हैं आप हमें, क्या सुना रही हैं आपको, ये ज्यादा इजी है, कैंसिल कैंसिल। नाम और एक उनका मुनफरिद अंदाज था, और उन्होंने सिखाया कि सादगी में भी इंसान बहुत आगे जा सकता है, कि सिर्फ एक सादी सी लिपस्टिक में भी, वो बहुत सारे लोग कहते हैं ये ग्लैम नहीं है, तो उनके मुंह पर एक क्या कहना चाहिए, एक जवाब था। नैयरा नूर जी आप देख लें, महनाज जी देख लें, तो क्या बात थी उनकी आवाज़ में, और बहुत ही सच्चाई थी। और अच्छा जी, ये मुझे लगा कुछ हुआ, लेकिन अच्छा हुआ गाया, जब पहले हमने प्रैक्टिस कर ली बोलकर। ये लाइफ की खूबसूरती है। तो उनका एक मेरा बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग है, तेरा साया।
शायरी है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस दौर में देखिए हर बंदा अपने फ़न से इंसाफ, जैसे शोभा भाई ने कहा कि कोशिश उनकी यही होती है चाहे नया हो या फिर पुराना हो, क्योंकि ये बड़ी देखिए हमारी फील्ड में ना एक भेदभाव करते हैं, जैसे नया बंदा आता है उसको इतना ज़्यादा बहुत सारे मिल, मैं मेजॉरिटी की बात इस वक्त कर रही हूँ, लेकिन उन्हें बहुत सारे अच्छे भी हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि अपने काम से इंसाफ करते हैं चाहे कोई भी गा रहा हो, और एक अच्छा गाने वाला म्यूजिशियन के साथ साथ ही होता है। तो उस ज़माने में हर बंदा जो है कहते हैं इसके हलाल खा रहा था और सही अंदाज से मेहनत करते थे, और ना सिर्फ वो दिमाग में उनके होता था कि हमने इससे कमाना है, उनका शौक था, उन्हें सुकून देता था म्यूज़िक। तो उस टाइम की प्रोडक्शन में और अब की प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर वहाँ पे सब लाइव होता था और एक गलती पे पूरा शुरुआत से शुरू करते थे, तो वहाँ पर जो काम था उस दौर में वो अब नहीं है। अब हर बंदा शॉर्टकट में सिंगर बनना चाहता है और चाहे आवाज़ हो ना हो उसे ऑटो ट्यून करके किसी ना किसी तरह से बस उन्होंने करना, और शायरी पर भी कोई तवज्जो नहीं होती। पहले अल्फाज में बामायने अल्फाज होते थे और अब तो बस ऐसे ही कहीं ना कहीं से बस आपने अल्फाज जोड़ लिया और गाना बन गया। तो वक्त वक्त की बात है, जो उस दौर के लोग हैं उन्हीं से हम सुन सुन कर सीखते हैं, तो हम नहीं समझते कि अब वो कर सकता है कोई, क्योंकि हम में वो, माजरत के साथ अब मैं ख़ुद को भी इसमें शामिल करूँगी, हम में वो लगन नहीं है, वो मेहनत का जज्बा नहीं है। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हम वक्त नहीं देना चाहते, और ये काम है ये ज़िंदगी मांगता है। सही बात है। और आपको क्या लगता है कि अब जो पोइट्रीज आ रही हैं, जो सॉन्ग्स बन रहे हैं, क्या वो लगता है आपको कि पहले और अब के दौर में जो भी फ़र्क है अब सही है? देखिए अब वही मैंने जैसे कहा कि ये एक तो पहले मयारी अशार बोलते थे और अब हर कोई मतलब अब तो अरक्षे के पीछे भी शेर लिखे होते हैं। हर शख्स जो थोड़ा बहुत शायरी कहना जानता हो, शौक रखता हो, अपने आप को शायर कहलवाता है अपने नाम के साथ, तो अब वो ना बात है और ना मौसीकी के अंदर नए नए जॉनर्स अब शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अपनी जगह ठीक है वो, और बहुत सारे लोग उसमें भी अच्छा काम अब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मिकदार आटे में नमक के बराबर है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इतना लोग सुनते भी नहीं हैं। और जो इस तरह की चीज़ होती है कि जैसे मछली वाले बाबू मेरी मछली बना दो और ये सब, तो ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं, और जो असल टैलेंट है वो बेचारा देख रहा होता है कि अल्लाह पाक जब हाथ रखेंगे सर पे तो तब हम आगे बढ़ेंगे। ये बात सही बात। आपने कभी सॉन्ग लिखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पहले गाने की शायरी खुद की थी, अच्छा, साथ में अम्मी मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और ज़्यादातर मैंने अपने गानों के जो लिरिक्स हैं वो खुद ही लिखती हूँ, अम्मी ने मेरे साथ। अभी जो मैंने रिसेंटली अपना पाकिस्तान जिंदाबाद मिली नगमा, एक मेरा ये भी बहुत ड्रीम था कि मेरा अपना मिली नगमा हो, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ इस 14 अगस्त को पिछले साल, तो वो मेरी मम्मा ने लिखा। तो और वजह उसकी ये थी कि जब हमने लिखवाया बाकायदा पैसे देके, तो वो हमें समझ नहीं आया, मतलब अजीबोगरीब अशआर। मेरा होता है मकसद कि जो भी गाना हो उससे कोई ना कोई मैसेज फराहम हो जो दिल पे असर करे, या कोई इस्लाह हो, तो एक या अगर ना भी हो तो वो मायने खेज़ शायरी हो, कुछ उसमें मतलब सुनने वाले को कुछ मिले। तो बस यही वजह थी कि फिर हमने कहा कि इससे बेहतर तो हम खुद ही अशआर उसके लिख लें, और इस तरह से ये एक लिरिसिस्ट होने का भी एक वो रहा। तो बस फिर एक मैंने गाना किया, वो एक अमेरिका के शायर हैं उनका था, उन्होंने रابطہ किया सोशल मीडिया पे, तो उनका मैंने गज़ल की, तो ये एक बड़ा अच्छा मेरा प्रोजेक्ट था, तो उसको मैंने खुद कंपोज़ किया। इसी तरह से मिली नगमाएं मेरी अपनी कंपोजिशंस में से है। तो बस ये थोड़ा बहुत है कि इंसान जब सीखता है तो उसे काम कहीं ना कहीं ज़रूर मतलब वो उसको काम में आती हैं चीज़ें। कोई ये नहीं कहता कि आपने कुछ सीखा तो वो ज़ाया जाएगा, वो बहुत काम आती है। माशाल्लाह किरण, मैंने भी बड़ी कोशिश करी लिखने की, यकीन माने आप तो रोज़ ही लिखते हैं। आप पूछे ना फिर मतलब लिखा या नहीं लिखा, क्या लिखा? मैं जब लिखना चाहता था ना लाइट भी चली जाती थी। मुझे पता था ऐसे ही कोई जवाब आएगा आपका। क्या बात है माशाल्लाह, तो मैं लिख ही नहीं पाया फिर। वो तो फिर परी वो काम कर देती है ना आपके लिए, वो एक डायरी बेचारी ने बनाई भी है। अब आप जरा पूरी वजाहत कर दें ना, लोग कहेंगे परियां भी आ रही हैं इनके पास। परी भाई शुरू भाई की छोटी सी परी है जिसका नाम वाकई परी है और खुद भी परी है, उनकी छोटी सी, क्योंकि वैसे भी मेरे गेटअप से लोग मुझे म्यूजिशियन कम समझते हैं। फिर क्या समझते हैं बाबा जी? बाबा जी, आपके माइंड में कोई सवाल है जो आप सिद्रा से आज करना चाहें?
मेरे माइंड में सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ करूँ या नहीं करूँ। अपने रिस्क पे कीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स आपके सवाल आते ना हमारे सर से गुजर जाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल आ रहा है, सिद्रा ने जब गाया एक मुकम्मल ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज खाली कीबोर्ड के साथ आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं, माशाल्लाह, मैं पहले भी जिस तरह कहा कि मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ऑर्केस्ट्रा मौजूद है, तो शोभी भाई का वही एक कमाल है और एक माहिर म्यूजिशियन जिसने देखें जो वक्त देता है मौसीकी में या फिर गायकी में वो सुनाई देता है, तो माशाल्लाह इनके काम में सुनाई देता है कि इन्होंने कितनी अपनी ज़िंदगी का सुनहरा दौर इस काम को दिया, और माशाल्लाह आपका काम बोलता है तभी आपका एक नाम है, और अल्लाह पाक मजीद आपकी इज्जत में इजाफा करे। आमीन। और जबकि किरण उस दौर में पता है लोग वेल्डिंग किया करते थे, मैं फिर म्यूजिक सीखने लगा। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, हकीकत बात है ये, हकीकत बात है। हाँ, तो मैंने कब बोला कि नहीं, तो वो भी मेहनत का काम है, इसमें इतना बुरा क्यों मान रही हैं आप? मतलब जो भी फील हो, बस इंसान उसमें सच्चा हो तो फिर अल्लाह पाक कामयाबी जरूर दे। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, रियाज कितना टाइम करती है? वही मैं कह रही थी कि रियाज का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाता है, तो मतलब वो यही होता है कि जब कोई प्रोग्राम होता है तो उससे गाड़ी में ही दौरान में पहुंचने से पहले पहले अपना वार्म अप कर लेती हूँ, तो मतलब इतना होता है कि काम चल जाता है। तो मैं अपने आप को यही कह रही थी कि यार अगर मैं वाकई में इंसाफ करूँ तो यही चले एक दो घंटे नहीं, चूँकि पहले तो चार चार पाँच पाँच घंटे रियाज करते थे लोग जो बाकायदा गायक थे, तो अगर हम आधा घंटा भी रोज़ दे लें उसी टाइम में से तो हम क्या से क्या बन जाएं। तो अभी भी जो कमियां सुनाई दे रही होंगी वो जो सुनकार हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि इस वक्त क्या मैंने गलतियां की गाते हुए, बिल्कुल वो बिल्कुल वाकिफ हूँ मैं, मैं खुद भी समझ सकती हूँ क्यों, क्योंकि सीखा है तो वो हमें मालूम है। और ये मैं कहती हूँ जितना इंसान सीखता है फिर डरता चला जाता है, और इंसान को पता होता है कि मैंने यहाँ ये खराब कर दिया, लेकिन वो आम सुनने वाला नहीं सुन सकता, वो कहेगा वाह वाह क्या बात है, लेकिन वो उनको पता है या फिर बाकी लोगों को पता है। तो ये अगर थोड़ा रियाजत बंदा करे और रोज करे या मतलब एक वक्त दे थोड़ा, तो फिर वो और निखर जाती है। अब जिन दिनों में थोड़ा टाइम मिलता है ज़्यादा, मतलब मेरा रहता है रूटीन में प्रैक्टिस में, तो उन दिनों ज़रा और अच्छा गाया जाता है। लेकिन यह है कि ये चीज़ है कि अगर आप एक गायक हैं तो ये लाजमी है कि आप रियाज करें, लाजमी करें। चले ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात जी। विवर्स वक्त का ब्रेक जो कार्य रमन जो जल्दी वापस आ जाए। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठ गए रोते हैं, जब सारा आलम सो जग सोए
गया आज तो, सीरियसली मज़ा आ गया। पुराने गाने इतने माशाल्लाह प्यारे हैं और ये शायरी आजकल नहीं है, और सिर्फ दुख ही इस चीज़ का होता है कि ऐसी प्यारी शायरी को भी आजकल बहुत कम गाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दफ़ा का जिक्र कुछ यूँ है कि हमारे क्योंकि नेपाल से ताल्लुक है, तो मैं नेपाल में ही बड़े पुराने मेरे दोस्तों में से, तो बड़े वो कमर्शियल प्रोग्राम शादियों वगैरह के थोड़े ज़्यादा करते हैं। मैं बहुत सेलेक्टेड है तो मैं बिल्कुल बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मयारी प्रोग्राम जब तक ना हो तो मैं नहीं कर रही होती। तो उनका कहना था एक दफ़ा जब मैं क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में जब आए और जब से पेमरा की कुछ पाबंदियाँ लगी, और ये सही भी है, जब हमारे पास खुद इतना अच्छा गाने और सिंगर्स मौजूद, तो हम वो अपने कॉन्टेंट पर हमें ज़्यादा वो कॉम कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो अपने काम या अपनी ज़बान पर जिसे फ़ख्र ना हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे क्योंकि मैं स्टेज पे लाजमी तौर पे पाकिस्तानी कलेक्शन भी परफॉर्म करती हूँ, जो कि अब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग नहीं सुनना चाहते बाकी किसी भी जगह का गाना, तो उनका कहना था कि ये चांदनी रातें ये सब नहीं चलता, ये कौन गाता है अब, और ये गाना अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं उनकी बात शायद उनके ऊपर पड़ी है क्या, कि माशाल्लाह जब भी ये गाना मैंने गाया तो लोगों ने उसको ज़्यादा तरजीह दी और पसंद किया। नहीं नहीं, बहुत प्यारी मेलोडी है इसकी, लिरिक्स बहुत प्यारी हैं, और ये तो एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी महफिल में हो, किसी भी कॉन्सर्ट में हो, जब तक पाकिस्तानी ओल्ड गाने ना हो मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। इस बात पे मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी शोएब भाई, कि जैसे माशाल्लाह कमर्शियल काम काफ़ी सालों से आप कर रहे हैं, तो पहले दौर कुछ और था, बहुत सारे सिंगर्स तो अब ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जब प्रोग्राम में अपने दावत देती हूँ, कहते नहीं यार अभी नहीं, अभी हमें पाकिस्तानी गाने याद नहीं है, हम याद करके आएंगे, कोई शक नहीं। अब दौर भी बदल रहा है, तो आप क्या फर्क देखते हैं लोगों में, सुनने में चेंज आया है या क्या है, क्या अब ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं? सिदरा, असल में बात यह है कि जो पुरानी मौसीकी थी वो एक रजिस्टर्ड, जिसे कहते हैं असातजा के साथ हुई हुई कंपोज हुई हुई मेलोडीज़ थी, वही वाली बात कि आपकी उसकी पोइट्री जो थी वो मयारी थी। तो अब जो है, अब तो कहानी सुनो है सारी बात ये ऊपर, हाँ जी हाँ ये है ऊपर क्या है वो नीचे पान की दुकान ऊपर बिल्लो का मकान, तो ये है। अच्छा ये आसान भी है क्योंकि चार कॉर्ड्स हैं टोटल, बजाना भी आसान है। अब इन मेलोडीज़ में तो ये सुर कहीं से कहीं है, रागों का मैशअप है ये, तो गाना भी मुश्किल बजाना भी मुश्किल, तो इसलिए ज़्यादातर मैं समझता हूँ लोग आदत सी कर लेते हैं। हाँ। वो ठीक रहता है, चार कॉर्ड्स बजाए और अपना सही। और मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि काम हम करते हैं और आपका भी वाबस्तगी हर किस्म के सिंगर से होती होगी, तो अक्सर जब कोई मुश्किल गाना खास तौर से साजना रे, हाँ जी जब भी मैं बोलती हूँ किसी खास, वो कहते हैं ये छोड़ दो कुछ और कर लो, तो वो भी ना अब आसानी देखते हैं। देखिए एक इम्पैक्ट हम पे शुरू से रहा है ना सिदरा, कि हमें बॉलीवुड जो है हमारे ऊपर छाया रहा है हमेशा, तो इस वजह से हमने अपने सिंगर्स को अपने मौसीकार्स को कम सुना है, क्योंकि हम जब भी देखे जी अगर हम पुराने में चले जाए तो हमें आर डी वर्मन पसंद है, एस डी वर्मन पसंद है, आनंद जी कल्याण जी ये पसंद हैं, लेकिन अगर हम किसी से कहें कि जी हमारे पास आपका लव रखे रशीद अत्रे थे, हमारे पास निसार बदमी साहब थे, ठीक है रॉबिन घोष साहब थे नो डाउट, तो ये हमारे जो आज के सिंगर है वो सोचते हैं कौन थे, ये रॉबिन घोष कोई साइंटिस्ट थे, मैंने कहा नहीं जी ये आपका लग लग रहे मौसीकार थे, एक मौसीकी मतलब टक्कर देने वाली, क्या बात है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया ना, अब लोग बॉलीवुड को छोड़ के अपने ही पाकिस्तानी गाने सुनना ज्यादा, और देखिए हमारी ओएसटीज मशहूर भी बहुत ज्यादा हुई, फिर बात ये पहले देखिए एक एक लफ्ज शायर और मौसीकार एक साथ बैठ के बकायदा मीटिंग्स करके किया करते थे, ये वहाँ पर भी ऐसे ही था, अब वहाँ का भी अल्लाह हाफिज है, सही बात है, उन लोगों के पास तो और कोई चारा ही नहीं है, वो तो बस रिमिक्स अब कर रहे हैं पुराने गानों को, और उसकी भी ऐसे रिमिक्स होते हैं कि लोग फिर खुद ही उन्हें फीडबैक भी मिल जाता है। तो पहले तो मतलब बहस हुआ करती थी, अब ये बहस होती है कि भाई ये गाना यूं है और मतलब इसमें मेरा गाना पोर्शन इतना नहीं है या ये यूं नहीं है, पहले बहस होती थी अल्फाज पे कि ये लफ्ज़ इस धुन के ऊपर नहीं बैठ रहा तो इस लफ्ज़ को आप ऐसे कर दें या फिर इस धुन के हिसाब से आप लफ्ज़ लिखें। तो अब तो मतलब कंपोजर पोएट्री देखते थे और फिर कहते थे नहीं ये इस राग में होनी चाहिए कंपोज, एग्जैक्टली ये सब चीज़ें हुआ करती। अब हमारे यहाँ ये हो गया कि नहीं जी अब वो उसका कैफी का गाना हिट हो गया है, हमें वो चाहिए भले पोएट्री कोई भी हो, हमें वैसा चाहिए, ट्रेंडिंग चल रहा है वो चाहिए, वही चाहिए ये। लेकिन किरण मैं फिर ये फिर कहूँगा एक बात और कि बीच में दौर ख़राब हो गया था म्यूज़िक का, पाकिस्तान म्यूज़िक का दौर बीच में ख़राब हुआ था, लेकिन अब फिर मैं ये देख रहा हूँ कि दोबारा से बेहतर हुआ है और लड़के लड़कियाँ मेहनत कर रहे हैं,
कि हमें फीलिंग से गाना चाहिए, गाने का क्या फील है, हमें शायरी किस तरह अदा करनी है, ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंगिंग का। एक पूरी एक्टिंग है आपके गाने में, एक पूरा एक्ट है। तो अब दोबारा से ये रुझान शुरू हो रहा है। सही, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। जी भा, केड़ा हाल ताजा, ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम बिल्कुल ठीक है। हमदा ठीक है, तो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। फरमान भा, छा चवण चाहिंदा हो? माशाल्लाह तमाम बेहतरीन आवाज जो प्रोग्राम हली रहो है। हम दिशा जो आवाज 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 नहीं आ रही। ओहो, कॉल ड्रॉप थी वही भा। तां जी फरमान भा, तां सके बिहर कॉल करे सगो ता। अच्छा, आपने माशाल्लाह ओएसटी कितने गाए हैं? अल्लाह करे आपकी जबान थोड़ी हो तो मैं गा लूं। मैं समझी कि गाए होंगे। नहीं, यार वही वाली बात होती है कि कुछ ही नाम हैं जो सारे ओएसटी अगर लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप गाएंगे तो हम बेचारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आप गाएंगी इंशाल्लाह। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश ओएसटी की है। तो बिल्कुल वही बात है कि जितनी भी प्रोडक्शन अभी तक मैंने की है, एक के अलावा, वो सब मेरी अपनी ज़ाती प्रोडक्शन, बल्कि दो आप कह लें, जैसे वो जो मैंने प्रोजेक्ट किया था अमेरिकन पोइट कार, दूसरा मेरा 6 सितंबर पर पिछले साल मेरा ख्याल से अब मेरा गाना रिलीज़ हुआ था, पाक फौज जिंदाबाद। सही। तो वो कवरेज टीवी की प्रोडक्शन थी। तो उसके अलावा जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो मेरी जाती मेरा काम होता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई ओएसटी में करूं इंशाल्लाह, और देखें कब पूरी होती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं यार, बिल्कुल आपकी माशाल्लाह वॉइस इतनी प्यारी है तो मुझे तो लगा था कि आपने अभी तक की होगी कोई ना कोई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगी। जिंगल्स किए मैंने, बड़े-बड़े और काफी साल वो चलते भी रहे हैं। अक्सर फिर अच्छा पता है, जब बंदा नया होता है उसके साथ ये बहुत होता है, लोग उसके पैसे खा जाते हैं। मेरे साथ भी बेशुमार, तकरीबन 3-4 लाख अगर मैं मिलाऊं तो इतने तो माशाल्लाह लोगों ने मेरे पैसे, वो ये होता है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, जिंगल आपका कर दिया, वो आपको बोलते हैं जो अप्रूव नहीं हुआ, और ये किसी को आपने देना नहीं है, मैं कॉपी आपको दे रहा हूँ, वो इतनी अच्छी मास्टर नहीं हुई होती, वो बाकायदा चल रहा होता है बैक एंड पे, और आपको वो कहते हैं प्रूव नहीं हुआ। इसी तरह से बेशुमार ये जो तुर्की ड्रामे हैं उनमें वो कब का भेज भी देते हैं और वो क्लाइंट आपको कहते हैं भाई ये आपका प्रूव नहीं हुआ। तो ये चीटिंग भी बहुत सारे लोग करें, ना करें भाई, इससे जो जेन्युइन लोग हैं उनका काम खराब होता है। मैं भी करता हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ। अब ये है कि अगर हम किसी से ओएसटी करवाते हैं और वो अप्रूव ना भी हो तो जो उसकी फीस है वो उसको उसको तो उसकी मेहनत देनी चाहिए ना, उसने तो काम किया है। अब आगे का मसला है वो अप्रूव होता है नहीं होता, कब होता। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ लोगों ने मेरे साथ जिंगल में भी किया, वो बाकायदा सुनाई देता है कि हाँ भाई ये है, लेकिन अब क्या। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है ना किरण की इन्होंने बहुत अच्छा गाया होता है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन क्लाइंट कह रहे हैं नहीं मुझे तो जी सनम मारवी जी से ही गवाना है, भले उनके तो फिर इनका टाइम क्यों वेस्ट तो किया। ये है क्योंकि तो वो कंपोजर समझता है कि ये सॉन्ग मुझे या ये जिंगल सिद्र से गवाना चाहिए, उसके आवाज में अच्छा लगेगा, और वो अच्छा भी होता है, लेकिन क्लाइंट जो होता है वो एक लेकिन फिर कंपोजर को भी चाहिए ना कि क्लाइंट से एक मशवरा तो कर ले, बैठकर बात तो करे। अच्छा, क्लाइंट अजीब होते हैं, बुरा नहीं मानेगा कोई भी हो, पहले वो कर देते हैं आप कर दें, हाँ जी, फिर उसके बाद वो सर पे मुसलत हो जी, नहीं 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 जी ये तो नजम शराज जी गाएंगे, अब उनको गाना आए नजम शराज जी को या ना आए, एक बात है ये चीज़ें भी होती हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में एक वक्त था जब लोगों के पास प्रूफ्स नहीं होते थे, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता था कि जी मैंने इतना काम किया, मेरे इतने पैसे हैं। अब तो बाकायदा प्रूफ्स होते हैं ना, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है, व्हाट्सएप पे भी और फिर खुद सोशल मीडिया पे पता चल जाता है। अभी हाल ही मैंने ई बुक की थी एक सीरीज़ की, तो वहाँ पर एक दूसरी कोई थी डली हुई, तो वहाँ पे एक कमेंट आ गया बंदे का कि ये मेरा है और इस पर आपने मुझे पैसे नहीं दिए अभी तक। तो आजकल तो ये भी हो रहा है, आजकल तो बस लोग पैसे नहीं देते तो लोग स्टेटस लगा देते हैं 10 और लोगों को टैग करके कि भाई देखे भाई मेरी पेमेंट रुकी हुई। तो ये फायदा भी है और ये फिर नुकसान भी है कि आप फिर अगले को समझना चाहिए ना कि इस तरह की गलतियां हरकतें ना करूं मैं कि बदनामी हो फिर सारी चीजें हो। बस ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए ये हर जगह है, हर फील्ड में, ये हर फील्ड में आपके पैसे किसने खाए, मैं बता दूंगी तो और मसले हो जाएंगे। राज ही रहनी चाहिए, बोलेंगे कि भाई आप ये इस उस पे आगे की अब हो सकता है बोल भी दे लेकिन चले खैर हो गई,
मैं कहती हूँ लेकिन जो आपके नसीब का है वो आपको मिलके रहता है। ये जो लोग होते हैं आपस में एक दूसरे से हसद रखते हैं कि उसने इसकी ज्यादा सैलरी, देखो कितना कमा रहा है या कमा रही है, तो वो उसका नसीब है। और जो चीज आपको नहीं मिली वो फिर आपकी नसीब में नहीं थी, तो आपको उसका, बेशक आपने काम किया उसका मुआवजा अगर नहीं मिला तो आपके नसीब में नहीं था। तो ये एक बात है, अगर ये इंसान समझ ले तो फिर वो बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। न्यू टैलेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? न्यू टैलेंट देखें, हर एक शख्स जो है वो अगर अपने ख्वाब को आगे बढ़ाना चाहता है तो वो बिल्कुल बढ़ाए, लेकिन सीख के समझ के फिर करें अगर काम तो फिर अच्छा है, वरना तो वही होता है कि आप ऐसे ही बस कर रहे हैं काम। फिर आप वो शौकिया तो ज़रूर हो सकते हैं लेकिन आप उससे आगे मज़ीद नहीं चल सकते। तो अगर आपको लॉन्ग रन में चलना है तो आपको सीख के आगे बढ़ना चाहिए और न्यू टैलेंट को बिल्कुल आगे आना चाहिए। ख़ास तौर से मैं लड़कियों को बोलती हूँ कि बाकायदा सीखें और इंडिपेंडेंट हों, इतना कि आपको किसी पर डिपेंड ना करना पड़े, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये एक तो समंदर है फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है माशाल्लाह से, और इसमें जो भी आए वो सीख कर ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हम आपकी फैमिली के बारे में, आप कितने बहन भाई हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी आ जाते हैं, थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा बस माशाल्लाह एक भाई है छोटा, तो वो मीडिया स्टडीज़ अपनी कर रहा है, साथ साथ उसका अपना बिजनेस भी है, तो बस इसी में वो रहता है। और बस छोटी सी फैमिली है, मदर, फादर, फादर मेरे फोटो जर्नलिस्ट हैं जैसे कि मैं बता चुकी, मदर मेरी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। माशाल्लाह। तो बस ये है कि छोटी सी फैमिली है, सुकून वाली। और फिर शादी का कब ख्याल है? बस देखिए नसीब में जब होता है तो तब ही होते हैं ये काम, अल्लाह पाक के हाथ में है। तो जब वक्त आता है खुद ब खुद होता है, तो इतनी कोई इस बारे में टेंशन नहीं, सोचा तो है, मतलब अब सोचना शुरू किया है क्योंकि इससे पहले मेरा इरादा जो बात है नहीं था। तो मैं अपने पेरेंट्स से ये कहती थी थोड़ा वक्त मुझे दें, और फिर उनका भी मैं उनके लिए बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है आपने अगर सीखा है इतना लगा के माशाल्लाह। क्योंकि नेपा में 4 साल की बाकायदा डिप्लोमा होल्डर, वो एक इक्वलेंट टू डिग्री है बैचलर्स की, तो वो एक बहुत ही एक इतने पैसे लग जाते हैं उसमें कि जितने में एक डॉक्टर जो है ना वो तैयार होता है। तो जब इतनी मेहनत आपने की, इतना टाइम, उतना आपने पैसे लगाए, तो फिर कुछ आगे आपने किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सिद्रा देखें, अब लोगों का पता नहीं होता अगर आपका ससुराल कुछ इस तरह का हो कि नहीं जी नहीं करना, तो यही इसी बात पे मैं आने वाली थी कि जब इतनी मेहनत की, इतनी मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, तो अब आगे ये है कि अब आके फिर हमने सोचना शुरू किया कि चलें जी अब कर लें, तो ढूंढ रहे, तलाश जा रही है, जो नसीब में होगा ज़रूर आएगा ज़िंदगी में। लेकिन फिर हमारा यही है ख़ास तौर से मेरे फादर का कि भाई जब तक ऐसी फैमिली म्यूजिकल माइंडेड ना हो जो सपोर्ट उसी तरह से करे जैसे हम करते आए, तो तब तक वो उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। और फिर बात समझते हैं कि अगर ये काम, माशाल्लाह रिश्ते बहुत आते रहे, लेकिन आप देखें कि अगर 5 साल कबल ये काम हो जाता तो फिर आज मैं सिद्रा तायर ना होती। अब जो शख्स मुझ मेरी जानिब बढ़ेगा इस निकाह के इरादे से, तो उसे मालूम होगा कि भाई ये है, इनका शौक है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मौसीकी को मुझ में से निकाल दिया जाए, देखिए कॉम्प्रोमाइज इंसान को बेशक करना पड़ता है, लेकिन अगर वो करे तो वो कुछ हद तक चलता है, फिर वो काम खराब होता है। तो मेरे वालिद साहब का यही है कि वो इस चीज पे वो कहते हैं कि नहीं, जब तक कोई सपोर्टिव फैमिली खुद आगे बढ़ के ना आए और इस तरह की कोई फैमिली ना मिले, तब तक जैसा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी थिंकिंग है आपके फादर की, और इसी तरह से ही होना चाहिए। और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा, बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो आपको समझेगा, हमारी दुआ है इंशाल्लाह, जो आपके काम को भी समझेगा, और इंशाल्लाह उनको खुद भी गाना आता होगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो दोनों साथ बैठ कर गाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सिद्रा, अगर सिंगर ना होती तो क्या होती? मैं सिंगर ना होती तो ऐसा तो शुरू से ही नहीं था, तो मतलब जब मैं छोटी सी तभी से गा रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं शायद डॉक्टर होती, क्योंकि मेरा जो इंटरमीडिएट था वो प्री मेडिकल से था, और उसके बाद फिर मैंने BSc किया क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, और मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो भी गया था। लेकिन फिर देवा आस्किंग वही क्या बंदा बोले, अब बंदा कुछ बोल मतलब आपने एक यूटर्न लिया है समझे। हाँ, वो इसलिए कि उस जमाने में कुछ ऐसे केसेस थे कि जो रिश्वत लेके फाइनल ईयर में फिर उनको टर्मिनेट कर दिया था, तो हमसे भी ऐसी डिमांड हो रही थी कि आपका क्लियर हो गया टेस्ट, आप हमें 3 लाख रुपए दे दें 1 घंटे में, तो हम आपका मेरिट लिस्ट में नाम डाल देंगे, वरना आप वो जो होता है सेल्फ फाइनेंस उसमें आप कर लें।
तो हमने यही समझा कि चलें जी छोड़ें, क्या हम पैसे दें फिर आगे जाके गारंटी भी नहीं होती, फिर ऐसे काम में बंदा किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता। तो लेकिन जो भी हुआ दुरुस्त हुआ, फिर क्योंकि मेरा मास्टर्स इंग्लिश में हुआ, फिर लिंग्विस्टिक्स में हुआ, तो वो मेरी फील्ड से काफ़ी हद तक, अब लिंग्विस्टिक्स है बेसिकली साइंस ऑफ लैंग्वेज, उसमें सारी फोनेटिक्स सारे साउंड्स की साइंस है बाकायदा। फिर मैंने दो दो थीसिस अल्हम्दुलिल्लाह लिख चुकी हूँ, मैं कर चुकी हूँ, तो वो सारा आवाज़ की दुनिया से ही रिलेटेड है, तो ये और ज़्यादा अच्छा हो गया। और अल्लाह पाक जो आपके लिए सेलेक्ट करते हैं वो सबसे बेहतर होता है। बिल्कुल सही बात है। और थैंक यू सो मच सिद्रा, आप आ जाई हैं, आपसे गपशप करके बड़ा मज़ा आया है, और हम चाहेंगे कि जाते जाते आपसे गाना भी सुने, और कोई मैसेज आप देना चाहें तो। मैसेज मेरा यही है कि ज़िंदगी में जो भी काम करें मेहनत से करें, और अपनों को वक्त दें, क्योंकि ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपके खून के जो रिश्ते हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जिनसे आजकल की यूथ बड़ी तंग रहती है और वक्त नहीं उनको देती, अगर कोई दादी नानी या बड़ा बुज़ुर्ग बात करना चाहे तो उनको बात नहीं कर रहे होते जवाब। मैं तो देखती हूँ कि हमारे सामने जो हमसे छोटी नस्ल है वो बस मोबाइल फ़ोन में लगी है, कोई ना तमीज़ ना लिहाज और सलाम का भी जवाब नहीं देते। ये ना करें, और इज़्ज़त दें अपने बड़ों को, उनके साथ वक्त बिताएं, क्योंकि जब भी आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बड़ों के साथ वक्त गुजारेंगे तो आप कहीं आने वाला कल सवरेगा। सही बात है। थैंक यू सो मच सिज़रा, थैंक यू शोभी भाई, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, और जब तक मैं खुदाफिस कर लूँ, फिर आप हमें बहुत अच्छे से गाने सुनाइएगा। जी व्यूअर्स, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तव्हां सां सुभाणे मुलाकात कंदासीं, तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी RBS जी टीम खे ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफ़िज़। Take it.